तो लास्ट वीडियो में हमने जो बैक डिजाइन बनाई थी उसी का फ्रंट डिजाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा मेन फैब्रिक ये है, हम इसको एक साइड रख देते हैं। पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है, तो लाइनिंग को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड रखा हुआ है। इसकी लंबाई हमने सेम ही रखी है जो पीछे वाले पार्ट में रखी थी, 14.5 इंच की, और चौड़ाई वही है हमारी 11.5 इंच की। शोल्डर भी हम यहाँ से 6 इंच के ही लेंगे, और आर्म होल यहाँ से सीधी लंबाई ले ले रहे हैं आर्म होल की 6 इंच की। और आर्म होल की गोलाई पीछे हमने 1.5 इंच की दी थी, आगे हमें 1 इंच की देना है। इसमें इस तरह से गोलाई दे देना है। फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर 9 इंच। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच का मार्क करना है, और यहाँ से 1 इंच का मार्क करना है। इसमें प्रिंसेस कट का शेप बना देना है। अब सिर्फ ये वाली गोलाई की कटिंग करना है। अब ये सेम कटिंग हमें मेन फैब्रिक पे कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली। पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमने पीछे की भी 3 इंच ली थी, तो आगे की भी हम 3 इंच ही ले रहे हैं। यहाँ से 7 इंच का मार्क कर रहे हैं नेक की लेंथ के लिए। अब इस पर हमें नेक का शेप बनाना है। यहाँ से 3 इंच मार्क कर लेंगे, और इसके नीचे यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से हमें हल्की सी गहरी गोलाई देना है। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे लाना है। यहाँ पर ये मार्किंग को दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा शेप बन गया है हमारे नेक का। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ रखना है, ये मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करते जाना है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे की तरफ से कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है। अब ये नेक को हमें स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से कट करना है। गोलाई पर और कोनों पर अच्छे से कट लगाना है, स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। अब इसको पलट लेना है। तो अब यहाँ पर नेक पे प्रेस स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रेस सिलाई हो गई है हमारी। अब हमको ये वाली जो मार्किंग है ना, इसको कट करना। ये वाला फैब्रिक भी कट कर देना है। जिस तरह से हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है, इस तरह करने से हमें आसानी होती है, क्योंकि एक बार में जब फैब्रिक सीधा होता है तो हमारी सिलाई एक जैसी लग जाती है, हमें टुकड़ों में सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इसे यहाँ से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं जैसे हमने कट किया है। अब इसको इस तरह से 1/2 फोल्ड करना है हमें, और बीच में हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो इसको एकदम सेंटर से कट करेंगे। तो इस तरह के नेक में हम जब भी सेंटर से कट करते हैं तो एकदम बीच से कट होना चाहिए, और पट्टी लगाते हैं तो बराबर 1/2 इंच दोनों साइड से दबना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा सीधे हाथ पे आएगा उसकी पट्टी हमें ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच करेंगे।
इस तरह से पूरा फोल्ड कर देना है। और ये दूसरे साइड जो हमारे उल्टे हाथ पे आने वाला है पहनने पर, इसमें हम पट्टी को अंदर की तरफ से बाहर फोल्ड करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही डबल ले रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 4 इंच की पट्टी ली है दोनों ही साइड के लिए। और यहाँ पर हमें मशीन से ही आई बनाना है, तो पहले इस पर हमें निशान लगा लेना है। आप 5-6 जितने भी हुक लगाने वाले हो उतने निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए किस तरह से सिलना है। इस तरह से मैंने 5 हुक के लिए 5 आई तैयार कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया और नेक का शेप भी बिल्कुल नहीं बदला है। तो इसी तरीके से हम सेंटर से हुक की पट्टी लगा सकते हैं, कोई भी नेक शेप हो इस तरह का कोने वाला। तो और हमारी ये फ्रंट डिज़ाइन तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए।